अगर आप मल्टीवैगस शेयर की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके काम की हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म एवेंडस स्पार्क ने एक केमिकल शेयर के अगले एक साल में मल्टीवैगर बनने का ऐलान किया है। यह शेयर है न्योजीन केमिकल्स का। ब्रोकरेज को इस शेयर से क्या उम्मीदें हैं और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिससे इसके मल्टीवैगर बनने की उम्मीद की जा रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ब्रोकरेज फर्म एवेंडस स्पार्क ने नियोजीन केमिकल्स के शेयरों को बाई रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि अगले 12 महीने में यह शेयर 3600 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। यह सोमवार के इसके बंद भाव से करीब 111% की तेजी आने की संभावना जताता है। वहीं अगले 3 साल में उसे नियोजीन केमिकल्स के शेयर के 4500 रुपये तक जाने का अनुमान है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? ब्रोकरेज ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने कुछ समय पहले इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट नाम से एक कानून पास किया था। इस कानून में घरेलू मार्केट से खरीदारी से जुड़ी कई सख्त शर्तें शामिल की गई थीं। साथ ही चीन को खास तौर से सप्लाई चेन से बाहर रखने का प्रयास किया गया है। एवेंडस स्पार्क का मानना है कि इसके चलते नियोजीन केमिकल्स और गुजरात फ्लोरो केमिकल जैसी भारतीय कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि चीन के बाहर होने से भारतीय कंपनियों का सीधा मुकाबला अब जापान और कोरिया से है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की लागत हमसे काफी अधिक है। नियोजीन पहले से ही लिथियम कार्बोनेट की सबसे बड़ी इंपोर्टर है, वहीं ब्रोमीन और लिथियम चेन में इसकी अच्छी उपस्थिति है। ऐसे में यह इस मौके का लाभ उठा सकती है। हालांकि नियोजीन केमिकल्स और भी कई सेगमेंट में अपना विस्तार कर रही है। ब्रोकरेज ने कहा कि नियोजीन केमिकल्स इस समय अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश में है। इस सेगमेंट में कंपनी को अभी 1200 करोड़ रुपये और निवेश करना है। इसके चलते इसका शुद्ध कर्ज वित्त वर्ष 2024 के 400 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि 2027 के बाद से इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि नियोजीन का शुद्ध कर्ज वित्त वर्ष 2026 तक उसके इबिट्टा के 7 गुना तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद वित्त वर्ष 2027 में यह घटकर 4 गुना पर आ जाएगा। हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन सही रहता है और वह इसमें विस्तार करती है तो इस निवेश से रिटर्न आने में देर नहीं लगेगी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सिर्फ मौजूदा बिजनेस से ही कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के वित्त वर्ष 2024 से 2028 के बीच 15% से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के 18 से 19% के बीच रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2028 तक नियोजीन का बैटरी बिजनेस से ही रेवेन्यू 1900 करोड़ रुपए और इबिट्टा मार्जिन 12% तक रह सकता है। इस रिपोर्ट के बाद आज 17 सितंबर को नियोजीन केमिकल्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई और दिन के कारोबार में यह 12% तक ऊपर बढ़ गया। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 22% की तेजी आई है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते हम यह साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो एक्सपर्ट्स की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।